दोस्तों, क्या आप इस शिमला मिर्च को इस्तेमाल करते समय इनके बीजों को निकालकर फेंक देते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अनजान में ही एक गलती कर रहे हैं। शिमला मिर्च को सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है और देश के लगभग सभी हिस्सों में इसका इस्तेमाल सब्जी, ग्रेवी बनाने के लिए, चाइनीज और इटालियन फूड्स तक में किया जाता है। शिमला मिर्च के बीज भी शिमला मिर्च की तरह ढेर सारे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अगर आप इन्हें खाएं तो आपको इससे कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। आपके शरीर की बहुत सी बीमारियों को ये खत्म कर सकता है। आप भी इन फायदों को जान लें और अगली बार जब भी शिमला मिर्च का इस्तेमाल करें तो इनके बीजों को निकालें नहीं, बल्कि शौक से खाएं, क्योंकि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो किस तरह फायदेमंद साबित होंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों, शिमला मिर्च और इसके बीज दोनों ही विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है, इसलिए आपको शिमला मिर्च के बीजों सहित जरूर खाना चाहिए। विटामिन सी आपके शरीर में आयरन को अवशोषित करने में हेल्प करते हैं और शरीर के लिए एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा विटामिन सी शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और स्किन को जवान बनाए रखता है। कुल मिलाकर हमारे शरीर को विटामिन सी की बहुत ही जरूरत होती है, तो इसके लिए कभी भी शिमला मिर्च के बीजों को ना फेंकें। ये बीज हैं विटामिन सी के बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं। आप जानते हैं कि हार्ट की बीमारियां कितनी खतरनाक होती है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोग आज भी कार्डियोवैस्कुलर रोगों से ही मरते हैं। हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे फूड्स डाइजेशन बताते हैं। शिमला मिर्च के बीज भी आपके दिल के सेहत को दुरुस्त रखने में फायदेमंद होते हैं। हरे या फिर ऑरेंज शिमला मिर्च के बीज साइटोकेमिकल्स और फ्लेवोनॉइड्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। इसके सेवन से शरीर में खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट नहीं जमा होता, इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों, जैसा हमने बताया है कि शिमला मिर्च विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है, इसलिए स्किन के लिए फायदेमंद है। मगर आपको बता दें कि शिमला मिर्च के बीजों में विटामिन ई भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई भी स्किन को जवान बनाए रखने और झुर्रियों, झाइयों, डार्क सर्कल्स आदि को रोकने में बहुत फायदेमंद होता है। बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, विटामिन ई आपके बालों को भी हेल्दी और रेशमी और मजबूत बनाता है। तो इन बीजों को आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी जमा हो गई है जिस वजह से आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिमला मिर्च खाइए, क्योंकि ये लो कैलोरी फूड है और फायदेमंद भी है। और साथ ही में इनके बीजों को भी डिशेज में डाल दें, क्योंकि ये बीज आपकी कैलोरी बर्न करने में हेल्प करेंगे। ये बीज फाइबर का बहुत ही अच्छा स्रोत होते हैं, साथ ही मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, जिससे कैलोरीज बर्न करने में मदद मिलती है। अगर आप अपने लिए वेट लॉस सूप बना रहे हैं तो उसमें शिमला मिर्च के बीजों को जरूर डालें, इससे आपका सूप बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, शिमला मिर्च कई बीमारियों से बचाते हैं। शिमला मिर्च किसी भी रंग का हो आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसके सेवन से कई तरह की बीमारियों से शरीर की रक्षा होती है। इसी तरह इनके बीज भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। एक रिसर्च के अनुसार शिमला मिर्च के बीजों में पाए जाने वाले विटामिन सी और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट के कारण ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है, शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और दर्द में भी राहत पहुंचाता है। इसलिए आपको शिमला मिर्च और इनके बीजों को दोनों का ही सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जरूर से शेयर करना।